हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, फिलहाल दिवाली निकल गई और भाई कल पूरा दिन हम लोगों को दिवाली अच्छी गई, क्योंकि बिल्कुल सिंपल में हम लोग दिवाली मनाए और पूरा दिन मतलब धान पीटते रहे। रात को 8 बजे छुट्टी पाए, तो कोई ज़्यादा शोर शराबा वाला दिवाली नहीं था, क्योंकि प्रिंस को भाई थोड़ा सा बहुत पैसा दे दिए थे, 100-150 रुपया, तो उसी को पटाखा उटाखा फोड़ लिया है। तो आज धनतेरी है, तो अभी भाई मैडम जी क्या बना रही हो? दाल चावल। दाल चावल रात कुछ बनाना नहीं था? कहाँ थक गए नहीं, रात में तो आए नहीं, अब आज बने शाम के फरवरा। भाई हम दोनों आदमी भाई पूरा एकदम थक गए थे, प्रिंस भी थक गया था साथ में, वो भी लगा था, क्योंकि 8 बजे तो पटाखा लावे गए। हाँ, 8 बजे नहा धो के पटाखा लेके आया, तो उसको फोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा खुश हो गया। लेकिन हम 24 घंटा ले करके सफर आए थे और भाई फिर वहाँ से आए, खाना खाए, तुरंत पीटने चले गए धान को। तो भाई कल का दिवाली बहुत अच्छा था, ऊपर वाले से गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी भाई चलते हैं, गाड़ी वाड़ी धुलना है, क्योंकि आज धनतेरस, गाड़ी वाड़ी की जो पूजा वूजा करते हैं भाई, वो चीज़ है। तो चलते हैं, गाड़ी वाड़ी प्रिंस धो रहा है, तो चलो आपको दिखाता हूँ प्रिंस कहाँ पे गाड़ी धो रहा है। तो अभी खाना बन रहा है, देख सकते हो दाल चुर गया, चावल चुर गया। तो चलते हैं भाई, गाड़ी वाड़ी धुला लेते हैं प्रिंस के हाथ, क्योंकि पूजा पाठ करके अभी देखता हूँ क्या करना है। तो भाई उस साइड में गाड़ी धुली जा रही है, क्योंकि भाई आज बहुत काम है, आज भी तो आज मार्केट है हमारे यहाँ के बगल का है, तो बाज़ार भी जाना होगा। तो अभी प्रिंस गाड़ी धो रहा है, देख सकते हो। साबुन ले आओ, शैम्पू ले आओ। तो भाई गाड़ी काफ़ी ख़राब हो गई जब से मतलब फेरी करने लगा, पूरा सीट वीट देख सो फट गया, ये भी फट गया। तो चलते फटाफट धो लेते हैं भाई। तो भाई लोग अभी नहा के रेडी हो गए और गाड़ी वाली धो के भाई साइड में लगा लिया। चलता हूँ भाई, पूजा वूजा कर देता हूँ हमारे भाई मशीन का और हमारे गाड़ी का, क्योंकि ये दोनों हमारी रोजी रोटी हैं और दोनों हमें 2 पैसा कमा के देती हैं। तो भाई चलो फटाफट करते हैं। चिरई चूरा किधर गया भाई? फिर से क्या ये भाई चिरई चूरा लाया था तो कल, तो कल लाया था तो ऐसे टांग दिया था पूजा करने के लिए। तो अगरबत्ती कहाँ अगरबत्ती लो? दूध उठ चुरा विश्वकर्मा बाबा इतना कहीं है। चलो ये चिड़ी हो गए, लाल वाली चिड़ी हो गए। जय माता की जय। हमारे बगल में भाई माता जी भी रहती हैं इस साइड में, तो माता का भी नाम। जय हो विश्वकर्मा बाबा हरे। अत्ता धन दे दिया ना कि हमारे गांव वाले परेशान हो जाए, कहां से इतना पैसा कमाता है सब। तो दोस्तों खाना वाना फाइनली खा के अभी आ गया हूँ, और जो खलीलाबाद से भाई माल लेके आया उसको भी खोलना है और सारा मतलब सेट करना है बाजार ले जाने के लिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ रेसी का बाजार था, तो बाजार नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, और भाई लेफ्ट पैर में और यहाँ से लेके ये पूरा साइड में दर्द हो रहा है पूरा, तो इसकी वजह से मुझे चलना फिरना और उठना बैठना बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो फिलहाल जो भी माल मैं खलीलाबाद से लेके आया हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, कैसा आइटम है, फेरी लायक है कि बाजार लायक है कि बड़ी दुकान पर रखने लायक है, तो प्रॉफिट होगा कि नहीं प्रॉफिट होगा, इस पर चलता हूँ आप लोगों को दिखाऊंगा। और भाई आप कितने रेंज तक वहाँ से माल ले आ सकते हो, क्योंकि इस समय बहुत सारे ऑप्शन हैं भाई ठंड के मौसम में कपड़ा बेचने के लिए, तो काफ़ी लोग सोचते हैं तो भाई कौन सा माल उठाऊँ कहाँ से उठाऊँ। तो फिलहाल चलते हैं फटाफट, इसको खोलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ भाई मैं कितने का माल लेके आया हूँ और कौन कौन चीज़ लेके आया हूँ। ये पूरा एक पार्सल है जो तौला नहीं है, पूरा एक ही में रख लिया हूँ सारा। तो अभी भाई खोल के रखता हूँ। तो ये जींस है, ये 32 नंबर है, इसमें कई साइज है, काउंटर पे रखो सही। तो दोस्तों फाइनली ये सारा माल लेके आया हूँ जो काउंटर पे सारा बिछा के रखा हूँ, और भाई एक एक पीस आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन कौन कैसा पीस मैं लेके आया हूँ। तो पहले कोटी से स्टार्ट करते हैं, लेडीज कोटी। तो ये है भाई कोटी लेडीज का, जो मास्टर पीस बोलते हैं, 12 साल से 15 साल तक बच्चों को बहुत आसानी से रहेगा, और भाई देख सकते हो कितना मस्त पीस है और मार्केट में अच्छा सेलिंग होगा अगर ऊपर वाले चाहेंगे। तो अभी ये लाल रंग है और इसमें से 6 पीस ये लाया था और ये लेडीज का है। और दूसरा नंबर है ये है लड़कों का,
ये छोटे बच्चों के जैकेट है। अभी इसको लाया हूँ 6 पीस, इसमें के 6 पीस लेके आया हूँ, और 6 पीस ये है, और 6 पीस थोड़ा बड़ा है, और ये है भाई 6 पीस, और काफी मतलब तगड़ी पीस है, मोटी पीस है, और काफी बढ़िया मतलब अगर मार्केट में सेल होगा तो प्रॉफिट वाली पीस है, क्योंकि भाई हर कोई इस समय जैकेट मांगता है मार्केट के अंदर में। और सबसे बेस्ट एक पीस मुझे और लगा, और 6 पीस इसमें से लेकर आया हूँ। अभी देखो तो ये बड़ों के लिए, हम लोगों जैसे हमारे साइज का होगा तो हमारे आराम से हो जाएगी इजिली, और ये भी लगभग आप अंदाजा लगा सकते हो 250-300 से प्लस जाएगी, 300 तक 250 तक आराम से बिक जाएगा, इसमें भी बढ़िया अच्छा मार्जिन है। और भाई हाँ, जो मार्केट में अगर देख रहे होगे हमारी वीडियो, कहीं अगर ननमार वाली मार्केट से हो या वाइसिंग मार्केट से हो, रेसी से हो, और ऐसे कई मार्केट मुसाई खाना से हो, कहीं से हो, तो भाई हमारी दुकान लगती है एक ननमार मंगलवार के दिन, और एक वाइसिंग में लगती है बुध और शनिवार, ना बुध शनिवार को वाइसिंग में लगाता हूँ, और एक रेसी लगाता हूँ सोमवार सुबह को, रेसी लगाता हूँ, जो आज नहीं गया हूँ पैर की वजह से, इसलिए नहीं गया क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द है, तो कल आया था दिवाली था तो इसलिए नहीं जा पाया। और दोस्तों लेडीज के लिए अभी ऐसा शॉल लेके आया हूँ, ये ले आया हूँ, ये है 12 पीस, 12 नहीं दोस्तों, हाँ ये होगा 10 पीस लाया हूँ, और इसमें भी डबल मार्जिन कमा सकते हो आसानी से। अभी दोस्तों कुछ ऐसा पीस दिखता है, और आपको दिखने में कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में, दोस्तों आपको कैसा लगा पीस कमेंट में जरूर लिखना। और इसका लाल भी है, और लाल भी दिखा देता हूँ, काफी अच्छा पीस है भाई, दिखने में काफी खूबसूरत लगता है, अभी देख सकते हो। और इसको अभी मैं बीच में 10 पीस लेके आया था तो उसको सारा सेल कर दिया हूँ, 2 पीस बचा है। और भाई इसमें भी 6 पीस लेके आया हूँ, क्योंकि भाई थोड़ा थोड़ा आइटम लाने से हमें अच्छे से मालूम चल जाता है कि भाई हमें क्या लेना है क्या ले जाना है मार्केट में, ताकि अगर थोड़ा थोड़ा पीस लाओगे तो आपको सेल करने में काफी ईजी होगा। और ये लाया था 6 पीस जींस 10 से 12-15 साल के बच्चों तक, ताकि अभी मेरे पास जींस बहुत सारी पड़ी हैं, क्योंकि उसमें से सेल होता था तो साइज नहीं मिलता था, तो साइज मिला के लाना पड़ता, क्योंकि अगर एक बार जब माल आप खरीदने जाओगे तो आपको एक बार लाओगे तो मार्केट में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे अपना माल आप बढ़ाते रहिए, क्योंकि मार्केट के हिसाब से आप बेचोगे तो काफ़ी आसानी से बिक जाएगा। और ये छोटे बच्चों के लिए लाया था, ये भी अच्छा प्रॉफिट वाला आइटम है, एक पीस आपको दिखा देता हूँ इसका भी सैंपल, अगर जो भी अगर मार्केट में अगर उतर रहे हैं काम करने के लिए। और भाई मैं तो वैसे वीडियो ब्लॉग का बनाता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको देना जरूरी है, क्योंकि भाई सारे लोग कमेंट करते हैं भाई थोड़ा थोड़ा हमें भी बता दिए करो, ताकि जो भी नए आदमी हैं उनके लिए ईजी हो जाए काम करने में। और भाई मैं ये पीला वाला दिखा देता हूँ, अभी ये दोस्तों देख सकते हो, ये छोटे बच्चों का है और इस तरह पीस है, और इसको 12 पीस ये भी लाया हूँ, 6 पीस का बंडल है, और 6 पीस इसमें छोटे पीस लाया हूँ जींस का है, ये भी जींस है लड़कों का, क्योंकि हमारे पास सब बिक गया था बाजार में, तो आपको लंबी वीडियो हो जाती थी इसलिए नहीं दिखा पाता था कि हम क्या आइटम बेच रहे हैं क्या क्या बेच रहे हैं, लेकिन आप लोगों की डिमांड पे मैं ये सब दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर मार्केट में अगर काम करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो। तो ये भी 6 पीस है, छोटा पीस है बच्चों का, ये भी अच्छा प्रॉफिट है, और 11 पीस को आपको बता देता हूँ रेट, ये 100 के थोड़ा सा ऊपर है, 100 रुपये से ऊपर, और इसको डबल मुनाफे पे आसानी से बेच सकते हो, लेकिन अगर कस्टमर बनाने हैं तो आप ज़्यादा प्रॉफिट मत लेना, ताकि कर कस्टमर आपके पास फिर दोबारा आए, अगर एक बार आप डबल प्रॉफिट ले लोगे 2 बार ले लोगे, अगर ज़्यादा उपास से ज़्यादा बताओगे तो कस्टमर आपके पास दोबारा रिटर्न नहीं आएगा, तो ऐसे करना कि भाई कस्टमर भी खुश रहे आप भी खुश रहो। और इतने का पीस आपको दिखा दिया, ये 18 पीस लाया था, क्योंकि बड़ी साइज का पूरा खत्म हो गया था मेरे का, और बड़ी वाली साइज पूरा बेच दिया था, छोटा छोटा पीस बचा था जो सामने टांगता हूँ दीवार के जो डोरी बांध के, तो उसमें सारा माल बिक गया था। और दोस्तों ये ले लिया पीस, ये था 12 पीस, मतलब इसमें चुन चुन निकला था अगर, तो भाई इसको ले आया हूँ, और ये भी लाया हूँ, ये 3-3 पीस का कलर है। और भाई मार्केट में आप जो शुरुआत में जाओगे तो आपको माल मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाई शॉप नहीं करना है तो आप छोटी शॉप कर रहे हो जैसे बाजार में या फेरी काम कर रहे हो, तो आपको एक एक पीस चुन के लेना है, बल्कि वो लोग पीस देते नहीं हैं, और जहां मैं खलीलाबाद गया था अगर चाहोगे तो आपको ढूंढ ढूंढ के एक एक दो दो पीस नहीं मिलेगा, लेकिन 6-6 पीस मिल सकता है इजी, और वही हिसाब से आप मार्केट में अगर करने जा रहे हो तो पैसा उसी हिसाब से लेके जाना, ताकि आपको हर पीस मिल जाए। और भाई कहीं भी खरीदारी करने जाना तो आप शुरुआत में एक ही जगह रेट नहीं पूछना कि भाई एक ही जगह रेट पूछ के वहीं पर माल ले लो, आप पूरी मार्केट घूम लो, रेट
जहाँ जहाँ बचत पता कर लो और रेट पूछो, कम से कम रेट जितना मतलब बताते हैं वही हिसाब से आप रेट वहाँ पे वहाँ लगाओ कि भाई मैं इतना दूंगा लास्ट तक। अगर वहाँ नहीं बनता तो पूरी मार्केट में आप घूम लो ताकि आपको दो पैसा प्रॉफिट हो। तो भाई मैं ये जितना भी माल आया था, मेरे साथ जो लोग गए थे एक्सपीरियंस वाले, वो लोग काफी जानकार हैं, तो उनकी वजह से हमें माल बहुत आसानी से अच्छे से मिल जाता है। तो अब मैं सोचता हूँ कि जब भी जाऊँगा तो मेरे पास पैसा जो भी होगा लेकिन पीस एक एक छांट के लूंगा ताकि हमारा बहुत अच्छे से मार्केटिंग हो, बाजार में अच्छे सेल हो और सबसे अलग हो। तो अभी इसका भी अब जितना भी कलर लिया हूँ ये भी बहुत अच्छे कलर हैं। और छोटे बच्चों का भाई, तो भाई फाइनली अभी हम पूरा आपको माल दिखा दिए हैं। और दोस्तों मेरे पास 20-25 हज़ार रुपये लेके गया था और उसमें से मैं सिर्फ 15 हज़ार का शॉपिंग किया हूँ, जो आपको माल दिखा दिया ये सारा ढेर लगा हुआ है जितना काउंटर पर और इधर जितना साइड पर है। तो अभी एक बोरा और मेरा बाजार के लिए बन जाएगा, क्योंकि दो बोरा और दो झोरा आगे लाद के लेके जाता था तो काफ़ी दिक्कत होता था, लेकिन हम एक साथ माल नहीं ले जा सकते मार्केट क्योंकि भाई बहुत सारा हो जाएगा तो गाड़ी पे लोड करना काफ़ी दिक्कत होगा। और उसमें से जो भी माल है अभी मैं छांटूंगा, पुराने माल साइड में हटाऊंगा, अच्छे अच्छे पीस दो 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 पीस रखूंगा ताकि हर वैरायटी रहे, क्योंकि काफ़ी मतलब लोग अभी डिस्टर्ब रहते हैं कि भाई अगर मैं मार्केट करूँ उन्हें चाहता हूँ या फेरी मारना चाहता हूँ तो कैसा आइटम रखे जाओगे। तो भाई शुरुआत में मुझे भी नहीं मालूम था, जब आप स्टार्ट करोगे जो शुरुआत में स्टार्ट करोगे जो मार्केट में आपका डिमांड आएंगे तो उसी हिसाब से आपका भी दिमाग खुलता चला जाएगा, तो हमें मार्केट में कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है वो सब आपको नॉलेज हो जाएगा। किसी के बताने से या किसी के पास आप बार बार जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस आप एक बार जो भी काम शुरुआत करना दिल से करना, आशा करता हूँ कि वो काम अच्छे से आप सफल हो जाओगे अगर पूरा 100% दोगे। दोस्तों अभी आया हूँ, आज तो नहीं जा पाया मार्केट, अब कल मंगलवार है तो कल लेके जाऊंगा बाजार। मार्केट जा लिया हल्की नहीं, ठंड के दोस्तों हल्की तो नहीं रहेगी क्योंकि आज मेला जो भी होगा लेकिन आज मौसम खराब है थोड़ा सा, अभी बाहर ठंड है तो आज जैकेटों का बिकना, जर्सी बिकना लाजिम बिकेंगी। तो अभी हर कोई मार्केट जाता है छोटे बच्चों को बड़े बच्चों को लेने लिए कपड़ा, तो उसको बहुत अच्छा से मतलब स्लिम हो रहा है, शुरुआत ठंड का हो गया है। तो दोस्तों चलता हूँ फटाफट, अपना जो भी माल है छांट लेता हूँ क्योंकि बड़ी गट्ठर से माल निकालना है और ये जो नया आइटम है इसको सारा छांट छांट के उस गट्ठर में रखना है ताकि हमें आसानी से बेचने में कोई दिक्कत ना हो। तो फटाफट दोस्तों चलता हूँ, उसको ला के अंदर रखता हूँ यहाँ पर बिछा के और सारा माल उसमें से निकाल लूँगा तो उसको बाद उसमें एडजस्ट करूँगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।